हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्वागत है आपका। ये देखिए, आज जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम चोली की जो है, मतलब राजपूती जो पोशाक है उसकी आज कटिंग करने जा रहे हैं। तो देखो, एक वीडियो में सारी कटिंग तो नहीं हो सकती, तो अभी आज जो है हम अंदर चोली की कटिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो इसकी काचली का आएगा, फिर लहंगे का आएगा। ठीक है, तो मैं पेपर पर कट कर रही हूँ, तो आपको यही प्रोसेस रखना है। ठीक है, जहाँ भी कुछ चेंज होगा मैं आपको बताते जाऊँगी, और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लोग अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोग आप लोग हैं ना, सारे लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? लाइक करना चाहिए ना, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ ठीक है, तभी वीडियो रनिंग में जाती है ना। वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना तो यूट्यूब ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करता वीडियो, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जो भी स्टिचिंग जैसे सीखना चाह रहा है उनको आप ये वीडियो दिखा सकते हो, सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, है ना। तो देखिए, जो मेजरमेंट नॉर्मली हम ब्लाउज़ में लेते हैं वही सारे मेजरमेंट आपको लेना है, बस इसमें एक मेजरमेंट आपका एक्स्ट्रा जो बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा आपके काचली का, जो ऊपर की और जो काचली बनेगी। तो ये तो आज हम सीख नहीं रहे, पर इसका नाप भी हम लेते हैं और ये लूजिंग के साथ लेते हैं, तो इसकी कल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर का जो ब्लाउज़ है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो सारे नाप है मैं एकदम सिंपल प्रोसेस में आपको आज बताऊँगी, ताकि आपको आ जाए। तो पहले हम बैक पार्ट से शुरू करेंगे, बैक पार्ट बनाएंगे आज की कटिंग में। ठीक है, कोशिश करूँगी, अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा तो फ्रंट भी बता दूँगी। तो पहले हम बैक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने इसको टू फोल्ड में रख लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेजरमेंट है उनमें हम साथ में प्लस माइनस करते जाएंगे और लेते जाएंगे नाप, है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आपको मुझे कमेंट करना है, कमेंट करके ही बता सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक, तो सबसे पहले मैंने इसको टू फोल्ड में रख लिया है। अब मैंने ये कम लिया होगा, आप बोलेंगे इतना कम क्यों लेना है, तो जी हाँ, इसकी इतना कम इसलिए लेना है क्योंकि आप इसमें देख रहे हो बीच में, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये जो हिस्सा है इसी बीच में गैप होता है, यहाँ पर डोरियाँ लगी होती हैं, तो ये डोरियाँ हैं, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे हम कट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अभी देखना है। तो सबसे पहले जो लंबाई है, लंबाई में हमें प्लस करना है, प्लस कितना करना है, 1 इंच। तो हमारी 14 इंच की लंबाई है, इसको हमें लेना है 15 इंच। तो 15 इंच पे हम मार्क कर ले रहे हैं, ये मार्क हमें 2-3 जगह लगाना है। ठीक है, अब इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं हम। मैंने देखो पेपर, हो सकता है आगे हम वीडियो बनाए हुए पेपर कम पड़ जाए, इसलिए मैंने सिंगल कर लिया। यही प्रोसेस आपको डबल फोल्ड में करना है, बता भी दिया मैंने कैसे आपको डबल रखना है। ठीक है, तो लंबाई ले ली है हमने, अब क्या करेंगे देखिए, लंबाई मान लीजिए एक तरफ, आप इसमें पैक साइड पीछे से तरफ गला है तो पैक ओपन का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि पीछे से ओपन है, डोरियाँ लगेंगी। ठीक है, तो अब डोरियों हम नॉर्मली हम जब ब्लाउज़ कट करते हैं तो हम लोग गला कितना लेते हैं, 1.25 2, है ना, इतना ही ले रहे हैं ना। नॉर्मल साइज ब्लाउज़ है, 2 इंच का हम क्या लेते हैं, गला लेते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर है, गला कितना लेते हैं, 2 इंच। तो वो 2 इंच हम स्किप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। अब इसमें हमें तैयार शोल्डर जो है वो 3 इंच तैयार चाहिए, तो 3 इंच तैयार चाहिए तो कितना लेंगे, 4 इंच। ये 3 इंच मैंने शोल्डर जो ले लिया है, गला हमने बिल्कुल स्किप कर दिया, छोड़ दिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना। आधा इंच यहाँ लगेगा, आधा इंच यहाँ से लगेगा, इसलिए मैंने 4 इंच शोल्डर लिया है। अब यहाँ हमें आर्म होल का निशान लगाना है। ठीक है, आर्म होल का निशान कैसे लगाना है, यहाँ से हमें जितना भी हमारा, जैसे मान लीजिए आर्म होल है तो इसमें मैं ले रही हूँ 6 इंच, ये मैंने 6 पे एक मार्क लगा लिया, यहाँ पे एक लाइन मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, आगे देखते जाना आप। अब क्या करना है, अब जो आपको ये तो पता है कि यहाँ पे 2 इंच गला है, ये तो आपको पता है सभी को कि 2 इंच हमारा यहाँ गला आएगा जिसमें डोरी लगेगी पूरे में। तो हमें क्या करना है, अभी हमें शोल्डर का आर्म होल का गोलाई लेनी है। ठीक है, तो ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ कर रही हूँ ताकि फूले ना हमारा ब्लाउज, इसको हम ऐसा तिरछा शेप दे दे रहे हैं, 1/2 इंच लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये मैंने गोलाई दे दी है। अब हमें देखना है, यहाँ से हम डाउन करते हैं 1/2 इंच, यहाँ से हमें शोल्डर डाउन कर देना है, कितना करना है, 1/2 इंच, और इसको हमें आधे को यहाँ से ऐसा मिला देना है। ठीक है, ऐसा मिला दिया। अब इसके बाद 1/2 इंच यहाँ से छोड़ के हमारे आर्म होल कितने के हैं, तो हमारा आर्म होल है इसमें कंप्लीट 17.5 का है, तो 17 का 1/2 कितना होता है, 17 का 1/2 होता है 8.5। तो जहाँ पे 8.5 आ रहा मैंने वहाँ मार्क कर लिया, दिख रहा है आपको सभी को, 17 पे मैंने 8.5 पे मैंने मार्क कर लिया और 2 इंच मेरा लूजिंग वाला हिस्सा हो गया। अब ये देखिए इसमें हमारा चेस्ट कितना है, चेस्ट हमारा 38 है, 38 का जब हम चौथाई भाग निकालते हैं तो कितना आता है, 9 चौके 36 होता है। ठीक है, 9.5 आएगा, तो 9.5 कैसे आएगा, देखो ये आ रहा है हमारे पास कितना टोटल, यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब इसमें हमने गला कितना माइनस किया है, 2 इंच,
तो 2 इंच अगर साथ में 2 इंच माइनस 2 इंच प्लस करेंगे गलर का तो कितना हो जाएगा, 9, आधा इंच और इसमें अभी स्टिचिंग में से लग जाएगा। तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो प्रॉपर हमारा, क्योंकि यहाँ पर गला है, देखो यहाँ पर गला है तो ये पूरा ओपन है, तो हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेस्ट का अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया है, जो भी हमारा चेस्ट था वो और हारमोन को सेम कर लिया है। इसके बाद यहाँ से देखिए, अब हमें हमारी कमर निकालनी है। तो कमर हमारी कितनी है, कमर देखिए हमारी 32 की है, तो 32 का चौथाई भाग होता है 8, 8 चौके 32 है, पर कुछ हिस्सा हमारा जैसे गले में है तो कमर में भी आएगा ना, तो इतना लेने की हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें पीछे डार्ट डालने की भी ज़रूरत, जो पीछे यहाँ पे डार्ट डलते हैं वो डार्ट भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डोरी वाला है और जब भी हम बैक पार्ट बनाते हैं तो उसमें हमें ये यहाँ पे पीछे डार्ट डालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि पीछे हुक है, पीछे डोरी है इसलिए। तो अब क्या करना है, 8 चौके 32 होता है, 8 में से हमें 2 इंच माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर देना है, हमारा गले वाला हिस्सा जो अभी तक माइनस करके आ रहे हैं, तो जो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6, और इसमें हम ले लेंगे लूजिंग के लिए 2 इंच, ठीक है। अब इसको हम इससे मैच कर देंगे, इसको इससे मैच कर देंगे। तो ये देखिए, ये हैं, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। सबसे पहले लंबाई ली है, लंबाई में हमने 1 इंच प्लस किया है, ठीक है। फिर हमने गले को स्किप कर दिया, मतलब गले का 2 इंच जो है वो यहाँ पे आता है वो हमने छोड़ दिया, डायरेक्ट शोल्डर का नाप लिया, उसमें 1 इंच 3 चाहिए तो हमने 4 लिया। अब इसमें जो है आपके शोल्डर जो ये वाला हिस्सा थोड़े चौड़े ही आते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये आपकी जो आपके ऊपर काचली रहेगी उसमें से शो होते हैं, दिखते हैं बाहर, ठीक है। एक बार मैं आपको क्लियर दिख जाए, ये देखिए ये काचली के अंदर दिखती है चोली, तो हमें इसको थोड़ा सा, और गला भी हम ज़्यादा इसमें नॉर्मली 5-6 इंच तक गला ले जाएंगे आगे वाले में। तो ये देखिए, तो कैसे हमने क्या किया, केवल गला स्किप किया है, बाकी पूरा सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हम लगाते आ रहे हैं, ठीक है। बस क्या कर दिया, कंधे से लेके कमर तक का हमने गले वाला हिस्से को बिल्कुल स्किप कर दिया है, ठीक है। और दोनों में से हमने 2-2 इंच माइनस कर दिया, कमर में से भी, जो कमर हमारी यहाँ टोटल 9 आनी चाहिए थी वो अभी हमारे पास 7 आ रही है, और 2 इंच जब इसमें प्लस करेंगे तो 8-9 आ जाएगी, तो हमारा चेस्ट आ जाएगा। और ऐसे ही सीधे ये जो कमर है 32 की आ रही, तो 8 आना चाहिए, उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया गले वाला हिस्सा, तो ये हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर डोरी लगानी है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके फटाफट दिखा देती हूँ। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हो ऐड, अब ये देखिए इतना हो गया है। इसके बाद यहाँ से हल्का सा आपको इसको यहाँ से ऐसा मार्क करना है, ये इसलिए करना है ताकि आपका ब्लाउज फूले ना, तो ये हिस्से को भी मैं कट कर ले रही हूँ, ठीक है। ये हो गया है हमारा बैक पार्ट की कटिंग, बिल्कुल ऐसा ही आपको कट करना है, ठीक है, और बीच में से हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम जो हमारी बैक वाली चोली है उसके अंदर वाला हिस्सा भी हमने कट किया है। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसके, एक मिनट, हाँ, इसके हम फ्रंट पार्ट मतलब आगे वाली चोली की कटिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।